तो नर्सरी वाले ने कहा था वो बैग में लगा रखा है, होना भी स्टार्ट हो गई है इस प्लांट को। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन 5 प्लांट्स की जो कि फलदार हो और उनको हम हमारी टेरेस पे लगा सकते हैं। तो फलदार 5 प्लांट्स की हम बात करेंगे। तो मैंने तो मेरी टेरेस पे ज़्यादा फलदार पेड़ लगा रखे हैं, लेकिन मुझे जो लगा जो 5 प्लांट्स आराम से लगाए जा सकते हैं और ज़्यादा लोड की भी समस्या नहीं होगी और उनको फिर बाद में ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मम्मी गार्डन चैनल। तो मैं बात करूँगा अभी सबसे पहले जिस प्लांट की, तो वो है केला। तो ये जो केले का प्लांट है आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे लगा रखा है। इसलिए अभी तो ग्रोथ कर रहा है, हमने इसको 18x18 के ग्रो बैग में लगा रखा है और आप इसकी ग्रोथ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बहुत छोटा हम प्लांट लेके आए थे, यदि आप हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। और ये जो प्लांट है हम जो लेके आए थे वो नर्सरी वाले ने कहा था स्पेशल कोई बीजों से ये प्लांट बनाते हैं, तो बहुत छोटा था लेकिन बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है। अब आपको देखो ग्रोथ में दिखा देता हूँ कि इसका पत्ते की आप साइज़ देखिए कितना बड़ा पत्ता है। सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये जब ये फ्रूटिंग कर देगा तो उसके बाद ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा और फिर से ये ग्रोथ करेगा, तो इसलिए मुझे ये प्लांट अपनी टेरेस पे लगाने के लिए सबसे बढ़िया लगा। तो सबसे पहले जिसे मैं प्रीफर करूँगा वो है केला। जो मैं नेक्स्ट प्लांट की बात करूँगा वो है चवन्नी मौसमी। मतलब ये मौसमी की एक वैरायटी है जिसे चवन्नी मौसमी कहते हैं। आप देख रहे होंगे इसके अंदर कितनी ये छोटी छोटी मौसमी आ रही हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी पेड़ के फूटने की, तो देखो काफ़ी जगह इसमें ग्रोथ हुई है नई, और इसे हमने 18x18 के ग्रो बैग में लगा रखा है। और यदि मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये हमको लगभग 200 रुपये का पड़ा है। मुझे इसलिए ये सही लगा कि इतने छोटे प्लांट के अंदर ही इतनी सारी इसके अंदर फ्रूटिंग हो रही है, तो हम इसको ज़्यादा बड़ा ना होने देंगे और जितनी हमको साइज चाहिए मौसमी की वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे और फिर इसकी हम कटिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मुझे ये प्लांट सही लगा। तो तीसरा मुझे प्लांट सही लगा टेरेस पे लगाने के लिए वो लगा मुझे अनार का, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेट नहीं होता है, झाड़ी नुमा ये होता है, झाड़ी तो मत बोलिए इसको, लेकिन ये इसमें ज़्यादा वेट नहीं होता है, पेड़ के अंदर तना नहीं बनेगा मजबूत सा। और देखो हम ये लेके आए थे, इसको भी हमने 18x18 के ग्रो बैग में लगा रखा है और इसमें फ्रूटिंग होना भी स्टार्ट हो गई है। ये भी लगभग हम 200 रुपये का प्लांट लेके आए थे और मुझे ये टेरेस पे लगाने के लिए बहुत सही लगा, और ग्राफ्टेड है तो इसलिए इतनी जल्दी फ्रूटिंग देना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये भी हमने 18x18 के ग्रो बैग में ही लगा रखे हैं। और प्लांट की मैं बात करूँ तो हमने काफ़ी सारे और लगा रखे हैं, लेकिन मैं अभी उनके बारे में बात नहीं करने वाला। अब जो मुझे चौथा प्लांट सबसे अच्छा लगा टेरेस पे लगाने के लिए वो लगा मुझे चीकू। तो जो चीकू का प्लांट है वो हम लगभग लेके आए थे 550 रुपये का, इसमें चीकू भी आ रहा था, आप इसके हाइट देख सकते हैं लगभग 5 फिट का ये है। हमने इसे 24x18 के ग्रो बैग में लगा रखा है इस प्लांट को। तो ये महंगा इसलिए था क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चीकू आ रहा था, तो मैंने उससे कहा था मैंने कि जिसमें फ्रूटिंग आ रही हो मुझे वही प्लांट चाहिए, क्योंकि फल के जो प्लांट होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनमें फ्रूटिंग बहुत लेट होती है। तो इसलिए मैंने ये ग्राफ्टेड प्लांट लिया और दूसरा ऐसा लिया जिसमें ऑलरेडी फ्रूटिंग हो रही है मेरे सामने ही, तो मुझे ये भी ठीक लगा। और फिर 5वें नंबर पर मैं जिसे रखना चाहूँगा वो है नाशपाती का। एक्चुअली नाशपाती का मैंने इसलिए रखा है क्योंकि नॉर्मली नाशपाती हम लेके नहीं आते हैं मार्केट से, जिसको ज़्यादा पसंद होती है वही ख़रीद के लेके आता है, मार्केट में ऐसा फ्रिक्वेंटली अवेलेबल भी नहीं होती है नाशपाती, तो इसलिए मैं ये नाशपाती का प्लांट लेके आया था। ये मुझे लगभग 300 रुपये के लगभग पड़ा था ये नाशपाती का प्लांट, मुझे एग्जैक्ट रेट इसकी याद नहीं है लेकिन मुझे ऐसा ही ध्यान है शायद 350-350 रुपये के कुछ लगभग था। ये लगभग 5 फिट का था। इसमें एक ही ये प्रॉब्लम है कि ये अभी और भी बड़ा था, मैंने इसको यहाँ से देखो ये तोड़ दिया क्योंकि ये सीधा सीधा लंबा लंबा ही जा रहा था, तो मुझे एक पेड़ का इतना लंबा होना भी ठीक नहीं है क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा ये नहीं करना है, हम इसको ग्रो बैग में उगाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से तोड़ दिया। अब ये यहीं से इसकी डाल निकालना शुरू कर देगा, देखो इसमें कितनी नई ग्रोथ हुई है। अब इसको लाए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, पहले वाली जितनी भी पत्तियाँ थी वो सारी झड़ गई, उसके बाद ये जितनी भी आपको पत्ती दिख रही हैं सारी नई पत्तियाँ हैं। और इसे भी हमने 24x18 के ग्रो बैग में लगा रखा है और साइड साइड हमने गेंदा के प्लांट्स रखे हुए हैं क्योंकि ये नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी कर रहे थे और अभी इसको इतनी ज़रूरत है नहीं है, तो इसलिए हमने इसी के ग्रो बैग में ये रख दिए। मुझे ये 5 प्लांट टेरेस पे लगाने के लिए बहुत बढ़िया लगे। तो आप भी यदि टेरेस पे कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इन 5 में से प्लांट ज़रूर लगाइए और ये आपको बहुत
सही लगेंगे, ज़्यादा लोड भी नहीं करेंगे और आपको जल्दी फ्रूटिंग देने लग जाएंगे। जल्दी फ्रूटिंग के तो दो ही तरीके हैं, या तो प्लांट होना चाहिए कलम से या फिर ग्राफ्टेड। मैं तो ग्राफ्टेड प्लांट ही लेके आता हूँ, मुझे वो ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, उनकी लगने की फ्रिक्वेंट भी अच्छी खासी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारे मम्मी गार्डन चैनल इसी तरीके से पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।